नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में BTC DLED प्रथम सेमेस्टर के साइंस के लघु उत्तर क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूँ। मैं इससे पहले 7th पार्ट इसके बना चुका हूँ, जिसमें हमने एक वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न जिनकी संख्या 85, उसको मैंने एक वीडियो में कवर किया, और दो वीडियो में अति लघु उत्तरी क्वेश्चन कवर किया हूँ और लघु उत्तरी क्वेश्चन चल रहा है। चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास और आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक बता दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 28 और आज का पहला क्वेश्चन है, यही जानते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा से क्या समझते हैं, इनकी क्रियाएं बताइए। तो पहला हम लोग द्रव्य जानते हैं। द्रव्य यानी कि मैटर क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मेज, कुर्सी, दरवाज़ा, तीनों वस्तुएं एक ही द्रव्य लकड़ी से निर्मित हैं। इसमें मेज, कुर्सी तथा दरवाज़ा द्रव्य नहीं है, वे केवल वस्तुएं हैं, परंतु उनका निर्माण करने वाली लकड़ी एक द्रव्य है। द्रव्य के अन्य उदाहरण हैं लोहा, तांबा, वायु, जल आदि। प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से तथा प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से निर्मित होता है। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब था, द्रव्य जो होता है, जो वस्तु स्थान गिरती, जैसे कोई ये किताब है, किताब है दोस्तों, ये किताब जितना स्थान घेरती है और जिसमें इसमें किताब है तो इसमें द्रव्यमान तो होगा ही, जो स्थान घेरती है इसी को द्रव्य कहा जाता है। चलिए आइए अगला जान लेते हैं, एनर्जी ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, जान लेते हैं। ऊर्जा भौतिक कारक है जिसके द्वारा कर्ता में कार्य की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कार्य को करने हैं तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कोई भी कार्य हो, उसके करने के लिए हम लोगों में एनर्जी होना बहुत ही आवश्यक है। ऊर्जा द्रव्यात्मक नहीं होती है, अर्थात उसमें भार, आयतन आदि नहीं होता है, परंतु यह अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे ऊष्मा में, प्रकाश में, विद्युत में, ध्वनि में इत्यादि में ऊर्जा पाई जाती है। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि सब में ऊर्जा पाई जाती है। आइए और टॉपिक जान लेते हैं, द्रव्य व ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाएं। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल गणनाओं द्वारा यह सिद्ध किया, द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं या बराबर हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य वास्तव में घनीभूत ऊर्जा है। द्रव्य एवं ऊर्जा के एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया उनकी अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा ऊर्जा दी जाए तो उसमें प्रसार हो जाता है। इसका अध्ययन करना ही भौतिकी का उद्देश्य होता है। और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, भौतिकी एवं प्रायोगिक विज्ञान है जिसका अध्ययन विभिन्न प्रकार के परीक्षणों तथा मापनों द्वारा की जा सकती है। आइए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 और का आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन या जिसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज का निर्माण बीजांड के परिवर्तन से होता है। बीजों के
अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। और इसके प्रकार प्रकार बीज पत्र के आधार पर बीज दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री बीज। आइए इसको जान लेते हैं। इस प्रकार के बीज में एक बीज पत्र होता है, जैसे धान, मक्का, गेहूं इत्यादि। आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। द्विबीज पत्री बीज, इस प्रकार के बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर, अरहर आदि। दोस्तों बीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल वाला एक बीज पत्री, जैसे कि धान होता है, धान सिंगल होता है, गेहूं सिंगल होता है, जबकि चना दो भागों में बढ़ जाता है, चना को फोड़ने पर दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे मटर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये द्विबीजपत्री बीज होते हैं, जबकि धान गेहूं एक बीज पत्री है। और जान लेते हैं इसके बारे में। विभिन्न बीजों की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये गोल, अंडाकार, वृत्ताकार आदि हो सकते हैं। बीजों का रंग भी अलग होता है। बीजों के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे बीजावरण कहा जाता है, यह दो परतों में पाया जाता है, बाहरी परत को बाह्य कवच एवं भीतरी परत को अंतःकवच कहते हैं। बीज के एक सिरे पर छिद्र पाया जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के अंदर भ्रूण पाया जाता है। बीजों के अंदर भ्रूण को पोषण देने हेतु भ्रूणकोष पाया जाता है। आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों को जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। चलिए बढ़ चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीज के अंकुरण को स्पष्ट कीजिए, बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें चित्र भी बनाने के लिए कहा है और स्पष्ट करने के लिए भी कहा है। तो ये जान लेते हैं बीज तथा बीजों का अंकुरण। आइए थोड़ा हम लोग चित्र देख लेते हैं। चित्र क्या है? चित्र देखिए, बीजों का अंकुरण देख लिए हम लोग। चलते हैं अपने टॉपिक पे और चित्र के माध्यम से धीरे धीरे समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीजों में भ्रूण सुपुष्पावस्था में होता है, किंतु जब बीज को उचित नमी, वायु, ताप मिलता है तो बीज के अंदर का असक्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना शुरू कर देता है और एक नया वो छोटा सा पौधा बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को अंकुरण कहा जाता है। अंडद्वार के द्वारा जल शोषित कर बीज फूल जाता है और बीजचोल नर्म होकर फट जाता है। बीज पत्रों में अथवा भ्रूणपोष में उपस्थित संचित भोज्य पदार्थ एक घोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भ्रूण के आकार में वृद्धि के साथ मूलांकुर बीज से प्रथम जड़ के रूप में बाहर निकलता है और नीचे मिट्टी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तदुपरांत प्रांकुर भी वृद्धि करके बाहर निकलकर ऊपर की ओर बढ़ता है और तना बढ़ता है, यह बीजन कहलाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उचित नमी, ऑक्सीजन तथा ताप की जरूरत होती है। दोस्तों आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, बीज पहले धीरे धीरे, जब उसको पानी में हल्की नमी मिलती है तो वो धीरे धीरे नरम हो जाता है और धीरे से फटने के बाद उसमें से पौधा धीरे धीरे निकलने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर पौधे का धीरे धीरे फूल में धीरे धीरे वह पौधे में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। और जितना ऊपर पौधा बढ़ता जाता है उतना नीचे जड़ें बढ़ती जाती हैं। चलिए आइए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गति के द्वितीयक नियम को बताइए। आइए गति के द्वितीयक नियम को जानते हैं। गति का द्वितीयक नियम क्या होता है? गति विस्मयक या द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्यों को करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान
तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी एफ बल आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होता है, यदि वस्तु का द्रव्यमान नियम हो तो द्वितीय नियमानुसार एफ बराबर एम ए। जो बल होता है दोस्तों वह वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह है गति का दूसरा नियम होता है। और इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। एफ बराबर जीरो अर्थात जब वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा हो तो ए बराबर जीरो, क्योंकि द्रव्यमान एम का मान शून्य नहीं हो सकता। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि द्रव्यमान का मान शून्य नहीं हो सकता। त्वरण शून्य हो सकता है लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। आइए और जानते हैं इसके बारे में। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति या विरामावस्था को बनाए रखती है। यही गति विषय द्वितीय नियम है। अतः न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। इसलिए बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है गति के तृतीय नियम को बताइए। तो आइए जान लेते हैं गति के तृतीय नियम को। गति विषमक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रियाओं का नियम। इस नियम को, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया को उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहा जाता है। यह न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। उदाहरण से समझते हैं हम लोग। माना कि दो पिंड अ तथा ब जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, यदि पिंड अ पर पिंड ब द्वारा आरोपित बल एफ है तथा पिंड ब पर पिंड अ द्वारा आरोपित बल एफ है, तब न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार एफ अब बराबर माइनस एफ ब होगा। इन दोनों बलों में से एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। समान क्रिया प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रियाओं का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के संबंध में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं तथ्य क्या हैं। दो, पहला है, हम यह नहीं जान सकते कि अमुक बल क्रिया है तथा अमुक बल प्रतिक्रिया है। हम केवल यह जान सकते हैं कि एक बल क्रिया तथा दूसरा प्रतिक्रिया। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, क्रिया तथा प्रतिक्रियाएं सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती हैं, एक ही पर नहीं। उपर्युक्त उदाहरण में एक बल एफ अब क्रिया या प्रतिक्रिया पिंड अ पर लग रहा है, जबकि दूसरा एफ ब अ प्रतिक्रिया या क्रिया पिंड बी पर लग रहा है। आप लोगों को उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसमें कुछ है और कुछ टॉपिक को जान लेते हैं, इसमें कुछ बचा है अभी। न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें से प्रमुख उदाहरणों का विवरण निम्नलिखित है। पहला जान लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बस ध्यान से सुनते रहिए। समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो में बने रहिए शांति के साथ। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण कि जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है उतनी ही तेज़ी से हमें झटका लगता है। दोस्तों जैसे ही हम किसी बंदूक से
जब गोली चलाते हैं तो गोली चलाने में जो बंदूक गोली पे बल लगता है, बल लगाती है गोली पर बंदूक, उतनी तेज़ी से बंदूक भी पीछे की ओर हटती है, जिसके वजह से हम लोगों के कंधे पर धक्का लगता है। चलिए अगला जान लेते हैं। अगला है, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रति क्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है तथा गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार जब कोई वस्तु नौका से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे ओर धकेलता है, जिसके फलस्वरूप नौका भी व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है तथा व्यक्ति किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही किसी नाव से कोई व्यक्ति जब कूदता है तो वह नाव पर बल लगाता है तो नाव भी उसके ऊपर बल लगाती है, जिससे वह किनारे पर कूद जाता है और नाव पीछे की ओर हिल जाती है। आइए और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित और भी कई उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सब इसके बेस्ट उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण से होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंड के मध्य का आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। अतः उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपने ओर खींचती है। अगर किसी बॉल को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी जाने के बाद फिर वह जमीन पे गिर जाती है। उसका कारण है गुरुत्व बल, जिसके कारण वह पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है। चलिए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जान लेते हैं हम लोग। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो आइए जानते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग के प्रति सेकेंड में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी इक्वल टू ई अपॉन ई बराबर ई इंटू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है। जी का प्रामाणिक मान 45 अक्षांश तथा समुद्र तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता, अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से ऊपर से गिराया जाए तो उनमें समान त्वरण पैदा होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराए जाए तो वे एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अतः यदि कोई वस्तु भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले तो उसके भार द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि होती जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तथा यह वृद्धि ध्रुवों पर सबसे अधिक होगी,
अर्थात पृथ्वी तल पर व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर सबसे सर्वाधिक होगा। दोस्तों हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि दो पिंड हैं, यह 2 केजी का पिंड है और यह 5 केजी का पिंड है अगर माने, और इनकी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है, जमीन से जमीन तल से इनकी ऊंचाई h है, तो यह पिंड आने में अगर 1 सेकेंड लेता है जमीन पर, तो यह भी पिंड आने में 1 ही सेकेंड लेगा, क्योंकि गुरुत्वबल पृथ्वी पर उन स्थानों पर समान होता है। ये नहीं उसके द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, ये नहीं कि ये 5 केजी का तो ये पहले आएगा, ऐसा नहीं होता। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, और आइए और जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान्य 0 होता है। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र से 0 होता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर उसके मान का 1/6 होता है, यानी कि अगर पृथ्वी पर वस्तु कोई व्यक्ति 1 केजी का भार उठा ले रहा है तो वह चंद्रमा पर 6 केजी का भार उसी आसानी पूर्वक उठा लेगा जो पृथ्वी पर 1 केजी का भार उठा लेता है। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति का भी गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में एवं इसके कारण किसी वस्तु के भार में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित तेजी से घूमने लगे तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी हो जाएगी। यह कमी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। गंतव्य है कि वस्तु का भार तो परिवर्तित होगा ही किंतु उसका द्रव्यमान निश्चित रहेगा। आइए जान लेते हैं एक और टॉपिक गुरुत्व केंद्र के बारे में। गुरुत्व केंद्र बहुत अच्छा टॉपिक है यह। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। किसी वस्तु का भार घनत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्यरत रहता है। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता है। गुरुत्व केंद्र आकार पर निर्भर करता है। आइए गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कण के चारों ओर के उस स्थान को जिसमें कण के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। आइए जान लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड पर रखे किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।